पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे सोल दोदुम ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया है। जी हां, सरकार ने सोल दोदुम को लिखित आश्वासन देते हुए उनकी सभी मांगे मान ली है। सरकार की ओर से कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त दातुम गादी ने आईजी पार्क जाकर सोल दोदुम को लिखित आश्वासन दिया है। इसके तहत सरकार ने सेप्पा और न्यारी वैली मॉडल विलेज के जलापूर्ति परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच कमीशन के कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सेप्पा से ईटानगर तक पैदल यात्रा करने के दौरान सोल दोदुम के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आश्वासन दिया है। वहीं ईस्ट कामेंग जिला उपायुक्त के तबादले के मामले पर सरकार ने 2 से 3 महीने का समय मांगा है। इधर सोल दोदुम ने सरकार को लिखित आश्वासन दिया है कि वे आगे से इन विषयों को लेकर आंदोलन नहीं करेंगे। साथ ही दोदुम ने कहा है कि अगर सरकार दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करती है तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है अरुणाचल से। पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं सोल दोदुम, लेकिन अब सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं। सरकार ने सोल दोदुम को लिखित आश्वासन देते हुए उनकी सभी मांगे मान ली है। सरकार की ओर से कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त दातुम गादी ने आईजी पार्क जाकर सोल दोदुम को लिखित आश्वासन सौंप दिया है। इसके तहत सरकार ने सेप्पा और न्यारी वैली मॉडल विलेज के जलापूर्ति परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए विशेष जांच कमेटी के कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सेप्पा से ईटानगर तक पैदल यात्रा करने के दौरान सोल दोदुम के साथ जो दुर्व्यवहार मामला है उसकी भी जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आश्वासन दिया गया है। इधर ईस्ट कामेंग जिला उपायुक्त के तबादले के मामले पर सरकार ने 2 से 3 महीने का समय मांगा है। साथ ही सोल दोदुम ने सरकार को लिखित आश्वासन दिया है कि वे आगे से इन विषयों को लेकर आंदोलन नहीं करेंगे। साथ ही दोदुम ने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करती है तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे। यहां आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और सेप्पा में साफ पीने के पानी की मांग कर रहे सोल दोदुम ने गत 225 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 18 अप्रैल को सेप्पा से ईटानगर पहुंचे थे। तब से वे ईटानगर के आईजी पार्क में आंदोलन कर रहे थे और आज दिल्ली तक पैदल मार्च पर निकलने वाले थे। दोदुम ने दोपहर 2 बजे तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे और देश को अरुणाचल प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अवगत कराएंगे। उनके इस आंदोलन में 10 से 15 युवकों ने भी उनका समर्थन किया था। आप सबसे पहले बताइए, आप क्या कहेंगे? यूथ सक्सेस फॉर यू। थैंक यू नोटिस, आपका चैनल हमेशा गरीब लोग के लिए उठाते रहे और हम तहे दिल से आपको तारीफ करना चाहता है ये चैनल को कि आप शुरुआत से अभी तक साथ बना हुआ है। ऐसा है कि हम मैंने ये जितना भी न्यूज़ चैनल है सब आपका तरफ नहीं, बहुत लोग अरुणाचल में भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपका जो अगर नोटिस बोले तो आपका चैनल ही बहुत साथ दिया है, तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरा, हम पहले से बोले, ये मेरा जिद नहीं है, ये सारा पब्लिक का जिद है। आम जनता का, गरीब आदमी लोग, जिस आदमी को गंदा पानी पी रहा है और जो आदमी को साफ पानी पीना जैसा छोड़ने वाला, हर किसी का जिद है। ये मेरा जिद नहीं, हम पहले से बोला मेरा तो जिद 12 तारीख को हो चुका था। जब 12 तारीख को वो लोग हमको अटैक किया था, अटैक करके मेरा गाड़ी को तोड़ा है, उस समय में मेरा जिद हो चुका था। अब वो मेरा जिद था, वो लोग हम झगड़ा नहीं किया है उसका, अगर हम वहाँ से यहाँ तक फुट मर्च करके 4 डेज आए हैं, वो मेरा जिद था। तो अभी तो ये जीत जो पब्लिक का जीत है, जो हमारा जनता, जो नॉर्थ ईस्ट का जनता, जितना भी अरुणाचल कोना कोना बच्चा बच्चा, हर किसी का जीत है। ये मेरा जीत नहीं, हम इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपका न्यूज़ चैनल का, जो आप लोग न्यूज़ चैनल, वो जो आप लोग बहुत योगदान अच्छा दिया, आप लोग न्यूज़ लोग का जीत है। ये मेरा जीत नहीं, हम हमेशा बोलिए ये मेरा जीत नहीं, ये जो जनता का जीत है। आपने कहा कि आपका 12 तारीख में ही आपका जीत हो गए थे, तो आपने शुरू किया अप्रैल 15 से, आपने आपका ये इशू जो है शुरू किया है सेप्पा से, आपने सबसे पहले ईटानगर में आपने फुट मार्च किया, आप और आपका एक दो सपोर्टर्स जितने भी थे आपकी टीम के साथ। तब बताइए, इतने एक महीना लगे आपको यहाँ पे बैठ के आवाज़ उठा के अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द करप्शन, तो आप अपने यात्रा के बारे में थोड़ा बताया, तो कितना तकलीफ सहना पड़ा? तो देखिए, तकलीफ तो अगर बताए ना, ऐसे बहुत तकलीफ है, सच बात बताएगा, वहाँ से चलने के बाद भी कितना तकलीफ हुआ है, स्ट्रगल हुआ है।
यहाँ मैं बैठे थे, देखो बारिश को इतना तकलीफ होता है, धूप में भी बहुत तकलीफ, तो तकलीफ तो बहुत तकलीफ, लेकिन नहीं बता सकता कि क्या क्या तकलीफ हो, लेकिन सच बात बताएगा कि रात को नहीं सो के बैठना, इतना बारिश में नहीं सो के बैठना, जब बारिश होता है तो हम लोग पूरा लड़का लोग नहीं सो के चेयर के ऊपर ऐसे ही पूरा बैठ जाता है, रात भर बैठ जाता है, उसके बाद धूप होता है तो दिन में अमर हो जाता है कि नहीं ऐसे मैंने चाया चाहे बाकी घूमना, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन हमारा अरुणाचल का जो भूखा पैसा रहने नहीं दिया है, हमेशा भूखा पैसा रहने नहीं, वहाँ अरुणाचल का जितना जनता है वो हमेशा प्यार दिया है, खाना पीना पानी सब कुछ अवेलेबल किया है, बस लेकिन जो क्लाइमेट जो नेचुरल चीज़ है उसे थोड़ा तकलीफ है बस। तो अभी तो आज का दिन है जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है, तो इससे पहले जो आप कल रात से लेके जो आज का जो सुबह था, आप कैसे फीलिंग क्या था आपका, क्योंकि आज सुबह आप लोग सुबह आप लोग यात्रा पे जाने वाले थे, दिल्ली फुट मार्च करने वाला था, तो फिर ऑन एंड ऑफ हो रहा था, कभी EAC आता है, कभी जो SP जो आता है, और फिर कल रात फिर DC रात का 12 बजे आए, तो आपके ओवरऑल ये आज को लेके आज का जो मालूम नहीं था कि आप इवन कॉल अप करने वाला भी है बोल के अपने स्ट्राइक को, और आपका ओवरऑल फीलिंग क्या रहा था कल से लेके आज तक? देखिए सच बात बताएगा, दिल तो बहुत दर्द दिया है कि हम तो पूरा प्लानिंग कर चुका था कि दिल्ली जाना है पूरा प्लानिंग कर चुका था, लेकिन हमारा अरुणाचल सरकार तो मालूम हो गया कि ये भी बात मानने वाला नहीं था, ऐसा सोचा होगा, तो रात को DC साहब आया है, आने के बाद सुबह 3 बजे तक बैठा है, उसके बाद सुबह 8 बजे से कुछ ऑफिसर लोग आते, कुछ लोग बैठा है, तो 8 बजे से OC आके बैठा है, और उसके बाद SP वगैरह बहुत ऑफिसर लोग आया है, तो हम पता नहीं था कि आज इतना जल्दी जीत होगा, हम तो और 3 महीने का प्लानिंग कर रहा था, हम तो चाहे एग्जैक्ट 1 ईयर्स 1 साल लड़ना है तब थोड़ा मज़ा होगा, तो हम ऐसा लगे कि ये में सेटिस्फाई नहीं है हमको ना, सच बात बता सेटिस्फाई नहीं है हमको, और 3 महीना 12 दिन चाहिए था, तो 3 महीना 12 दिन में हम दिल्ली पहुँचना था, तो मेरा क्या था, ये मेरा ऐसा था कि हम पब्लिक हमको साथ दे रहे, पब्लिक का तौर से जो पब्लिक का प्यार, जो प्रार्थना, जो क्रिश्चियन होते हैं वो बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना का द्वारा से, और जो नॉन क्रिश्चियन वो भी जो मंदिर जाता है उस मस्जिद जाता है, और बहुत लोग जो नेदरलैंड में जाता है वो लोग सबका प्रार्थना के द्वारा से आज बहुत जल्दी सक्सेस हुआ, लेकिन हम तो ये नहीं सोचा कि इतना जल्दी सक्सेस होगा, तो सरकार को भी हम दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारा गरीब जनता जो हम लोग का जिसको मैं फुल सपोर्ट करता है उसको तय दिल से धन्यवाद देता हूँ, ये मेरा जीत नहीं है, ये आम जनता का जीत है, पब्लिक का और गरीब आदमी का जीत है। सोल जी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में ऐसा देखने को मिलते हैं कि हमारे जो पब्लिक लोगों की बहुत ज़रा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ आते हैं, प्रोटेस्टर आते हैं, कुछ इश्यू मुद्दा उठाते हैं, और कुछ हद तक उसका जो सफलता पाने के बाद या नहीं भी पाते हैं तो उन गायब हो जाता है, तो ऐसे कुछ क्या हमें कुछ देखने को मिलेगा आपका आगे का? देखिए आगे फ्यूचर तो हम नहीं बोल सकेगा, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि रियली बात बता रहा है कि मेरा टारगेट जो बहुत आगे है, अभी मेरा टारगेट हम यहाँ जनता का तकलीफ को देखा है, बहुत दुख दर्द को देखा है, बहुत सा तकलीफ लोग को देखा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत सा लोग आया कि हम ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग का यहाँ में ऐसा प्रॉब्लम है, रास्ता का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का, अरुणाचल में सबसे पहले रास्ता भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसके बाद पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उसके बाद PDS का प्रॉब्लम है, उसके बाद ये PHC का प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल दिखा जाने से हम अभी ऐसा लग रहा है कि अभी रुकने के लिए तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो मेरा तो सबसे पहला बात यही है कि हम आपका ये नाम क्लियरली बोल रहा है कि मेरा हम लोग का जो पब्लिक का फर्स्ट टारगेट तो PHC डिपार्टमेंट है, तो वो सबका पब्लिक का यही मांगे कि सबसे पहले हम लोग का बदन को स्वस्थ रखना है, उसके बाद बाकी को हम दिखा जाएगा, तो मेरा अगला सोच है कि PHC डिपार्टमेंट जो यहाँ का चीफ इंजीनियर से हम एक बार पूछना चाहते हैं जो जल जीवन मिशन का बारे में, उसके बाद ये जो WTV का बारे में, हम ये ट्राई करेंगे कि हर इंटर अरुणाचल में ट्राई करेगा कि एक एक जगह में जहाँ जहाँ WTV प्रॉब्लम है हम वहाँ ट्राई करेगा, विजिट करके हम देखेगा कि कहाँ तक प्रॉब्लम है, कैसा है, तो हम ये ट्राई करेंगे, हम इंटर अरुणाचल में ट्राई करेंगे कि हम जाने के लिए। सोल जी, अगर फैमिली की बात कहें तो आपने 1 महीना यहाँ पे बिठाया है, आपने यहाँ पे सिटिंग डरना किया है, तो क्या कहेंगे अपनी फैमिली को, इतना 1 महीना बैठ के आपने अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द लॉ आपने फाइट किया है, और इस 1 महीना में आपने अपने फैमिली के साथ ठीक ठाक से बात नहीं हो पाया है, तो वो जो दर्द है दिल में उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए फैमिली का तो बात ऐसा नहीं है कि फैमिली तो हमेशा दिल में होता है, मेरा फैमिली है, मेरा भाई भैया है, मेरा घर है, मेरा दीदी है, सब दिल में होता है, लेकिन
जब दिल से कुछ चीज़ को तान के रखता है तो हम, मेरा एक सोच है कि अगर हम दिल से कुछ चीज़ को तान लगता है तो हम इसको करके दिखाएगा सोचते हैं, क्योंकि अच्छा हम मेरा फैमिली को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया, सच बात बता रहे हैं। हम एक बार तान लिया, हम पब्लिक के लिए एक बार तान लिया, हम कभी भी, हम ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन में या हफ्ता में एक बार बात किया होगा, यहाँ में बैठ के हम ज़्यादा ज़्यादा 4-5 बार ही बात किया होगा, नहीं तो हम बात भी नहीं किया, यही का ध्यान में लगे, क्योंकि हम ऐसा सोचा है कि हम देखो अगर सक्सेस नहीं होता है बोनस है, मेरा फैमिली के नज़र में भी हम गिर जाएगा और लोग के नज़र में भी गिर जाएगा। तो मेरा ये सोचता है कि हम अपना फैमिली में बेस्ट दिखाना था, क्योंकि मेरा फैमिली जो ऐसे चीज़ से बहुत दूर रहता है कि झगड़ा पीता ये सब से, मेरा फैमिली बहुत दूर रहता है, मेरा बस्ती बहुत दूर रहता है, मेरा बस्ती आदमी भी ऐसे झगड़ा पीता इंटरेस्ट नहीं करता, तो हम इसलिए हम अपना बस्ती अपना ये सोसाइटी को भी दिखाना था कि हम बेस्ट है, माने हम कर सकता है, ये दिखाना था। इसलिए हम जो सोसाइटी से भी एक बार भी बात नहीं किया, और मेरा फैमिली थे और मेरा भाभी भाई किसी से हम बात नहीं किया, बस हम यहाँ बैठा है, हम तो चाहे कि मेरा पहले काम सक्सेस कर लेगा उसके बाद हम आज मेरे सोसाइटी में हम वही। ये जो जीत हुआ है आज ना, इसको लेके आपका इतने सपोर्टर्स रही है, अरुणाचल के हर एक जिला से आपका सपोर्टर्स आता है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे फाइनली आज जो आपका जो जीत हुआ? देखिए हम जितना भी अरुणाचल का जितना भी अरुणाचल का नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट चलता है, तो जितना सपोर्टर हम यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपका हर घर में एक सोलो दम पैदा करवाइए, हर नॉर्थ ईस्ट का हर घर में, हर कॉलोनी, हर सेक्टर, हर बस्ती में एक सोलो दम पैदा करवाइए, ताकि करप्शन के आगे सर ना झुके और करप्शन के आगे हम लोग ना ना दिखे। बस हम लोग करप्शन को हम लोग हटाना है, हटाना हम ये नहीं बोले कि हम करप्शन को टोटली हटाएंगे, लेकिन करप्शन को हम कम कर सकता है अगर हम लोग चाहे तो, पब्लिक चाहे तो करप्शन को कम कर सकता है। तो हम ये बात बोले आप लोग भी यहाँ तक मन रुके, अभी हर घर में एक सोलो दम पैदा होने हैं, हर घर में, हर बस्ती में, हर जिला में, तो एक सोलो दम पैदा होगा तो ये हम लिख के देगा कि करप्शन थोड़ा कम होगा। जो हमारा जो पेमा कंदू जो लेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या मैसेज देना चाहता हूँ? तो पेमा सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्यों लेट होने से भी तू काम तो कर दिया है, दिल से धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशल हमारा अच्छे बामंग क्लिप, उसके बाद ये टीम इज कमिंग, मामा नतु सर है जो लीड करते हैं मिनिस्टर, उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारे कैपिटल का डीसी अच्छे तलोक पुतम सर, दिल उसको तो स्पेशली हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम दोनों कल रात भी फ्रेंडली से मजा करके बैठे, हम भी अच्छा आपका चीज जीत दिए, वो भी बहुत काम करते हैं और बहुत मेहनत है और बहुत आगे काम करना चाह रहे हैं ऐसे। उसके बाद हमारा यहाँ कैपिटल का एसपी से भी तहे दिल से धन्यवाद, और ओसी भी लगातार यहाँ पर बैठा है बेचा, ओसी जो जब तक हम लोग बैठा है ओसी कहीं भी हिला नहीं, यहाँ दिन भर बैठा है, धूप तकलीफ बारिश, तो तहे दिल से ओसी और एसपी और डीसी तालो सर को दिल से हम धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अगर ऐसा सब कुछ अगर आप ऐसा काम करेगा तो पब्लिक आप लोग के लिए ब्लेसिंग ही मिलेगा।